हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक जैकपॉट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं एंड इस सेटअप को आप ऑप्शंस एंड स्टॉक दोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहां पर लेनी है, आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा एंड आपका यहां पर टारगेट क्या रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो अभी आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिलायंस का डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस सेटअप का आप 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली इनमें से किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हो। एंड इस सेटअप को यूज करने के लिए हमें एक इंडिकेटर चाहिए जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री में मिल जाएगा और इस इंडिकेटर का नाम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये नाम आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाकर इंडिकेटर में सर्च कर देना, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हेकेनासी कैंडलस्टिक एंड पैराबोलिक चार्ट मिल जाएगा। ये दोनों अलग अलग इंडिकेटर है एंड इसको यहाँ पर मिक्सअप किया हुआ है एंड इसी की मदद से हमें यहाँ पर एक हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल सिंपल है, आप यहाँ पर ये प्लस के निशान देख सकते हैं, ये पैराबोलिक सार है और जैसे ही ये पैराबोलिक सार रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ से इसने हमें बाय का सिग्नल दे दिया है, तो इसी के क्लोजिंग पर हमें हमारी एंट्री बनानी है, यानी कि 3 बजे के बाद हमें इसमें अपनी एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो जाएगा। यहाँ पर आपको लो के नीचे थोड़ा बफर लगाना है, यानी कि इसका लो यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर थोड़ा और नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। एंड टारगेट की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका टारगेट 1:2 या फिर इसके ऊपर का रहने वाला है। जब भी आपको 1:2 मिल जाए तो आप वहां पर अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं एंड बाकी को यहां पर रन करने देना है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने वहाँ पर एंट्री बनाई होती तो अभी तक स्टॉक ने करीब 7.5% के आसपास का हाई लगा दिया है एंड अभी भी हमें इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ये पैराबोलिक सार ग्रीन में से रेड में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इस कैंडल के अंदर, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल जाती है और हम यहाँ पर थोड़ा और पीछे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी एंट्री होती नीचे, यहाँ पर पैराबोलिक सर रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई होती तो इसने यहाँ पर करीब 5% के आसपास का हाई लगा दिया है और इस तरीके से आप यहाँ पर और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो निफ्टी के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पर ये पैराबोलिक सर रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ एंड आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक रेड कैंडल है। तो जब भी आपको ऐसी कैंडल मिल जाती है कि जहाँ पर पैराबोलिक सर रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ हो और वहाँ पर एक रेड कैंडल है तो हमें वहाँ पर अपनी एंट्री नहीं बनानी है, हमें उस एंट्री को वहाँ पर इग्नोर कर देना है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से हमें पैराबोलिक सर ग्रीन में से रेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड उसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर 1 आवर, वीकली और मंथली में अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं एंड ये इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय चांस लिंक काम नहीं करती है तो आप टेलीग्राम के अंदर जाकर स्टॉक सेटअप ऑफिशियल नाम सर्च करोगे तो आप वहाँ से भी चैनल में ज्वाइन हो सकते हो।